हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल अड्डा आईक्यू। वीडियो के इस पार्ट में हम डिविजिबिलिटी रूल के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर रूल डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के, जिससे कि अभी तक चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो या आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो हर एग्जाम में केवल ये फोर रूल ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सारे और भी अदर रूल होते हैं लेकिन वो एग्जाम में पूछे नहीं गए अभी तक, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, इरिलेवेंट रूल को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम से ही रिलेटेड रूल यहाँ डिस्कस करते हैं, उसी को सीखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है देखिए, तो फर्स्ट रूल में डिविजिबल बाय 2, 4, 8। ठीक है, तो कोई नंबर है, सपोज 2, 6, 7, 4, 8 नंबर लिया हमने। ठीक है, अब चेक करना है नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो डिविजिबल बाई 2 के लिए केस क्या है, तो लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 2, ये नंबर पूरा चेक करना है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो पूरा हम पूरे नंबर को 2 से डिवाइड ना करेंगे, बल्कि लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर लास्ट नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो गिवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो केवल लास्ट नंबर को हम डिवाइड करते हैं, लास्ट लास्ट डिजिट को केवल, लास्ट अंक को केवल डिवाइड करेंगे। ठीक है, फोर के लिए देखो लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, डिविजिबल बाई 4। तो ये नंबर 2, 6, 7, 4, 8 अगर चेक करना है ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 4 के केस में इसके लास्ट के दो अंक को हम 4 से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट के दो डिजिट को हम 4 से चेक करेंगे, अगर ये लास्ट का दो डिजिट इसका 4 से डिविजिबल होगा तो गिवन नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज गिवन नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 8 के लिए क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स मीन्स 7, 4, 8, अगर ये 7, 4, 8 8 से डिविजिबल है तो ये गिवन नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अगर ये 7, 4, 8 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये गिवन नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो रूल फर्स्ट में हमने यहाँ पे 2 के ग्रुप को लिया है, 2 मींस 2 की पावर 1 और 4 मींस 2 की पावर 2, तो पावर 2 का मतलब लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, पावर 1 लास्ट डिजिट, और 8 के मीन 8 का मतलब 2 की पावर 3 और 3 मींस लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, तो 2 की पावर में सेम रूल चलता है लास्ट डिजिट का। ठीक है, ऐसे सेकेंड रूल देखिए आप, सेकेंड रूल है 3 की पावर में है। ठीक है, 9 मीन्स 3 की पावर 2 और 27 मीन्स 3 की पावर 3। ठीक है, और ये 3 इटसेल्फ क्या है, 3 की पावर 1। ठीक है, तो 3 की पावर में ऐसे सेम रूल चलेगा, इसमें क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, देखिए सभी में क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो अगर 3 से डिविजिबिलिटी है तो सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 चेक करना है सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 27 है, वैसे 27 एग्जाम में पूछा नहीं गया अभी तक, ठीक है, लेकिन पैटर्न है यहाँ समझाने के लिए हमने 27 लिखा है, ये 3 और 9 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 27 के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स 27 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 3 मीन्स हमने यहाँ पे 9 मीन्स 3 स्क्वायर आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, 3 की पावर में यहाँ पे चलता है पैटर्न, सेम पैटर्न। ठीक है, जैसे कोई नंबर लेते हैं 1, 6, 3, 4। ठीक है, तो अगर नंबर चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसका डिजिट का सम निकालिए, तो यहाँ पे 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या होगा, इसके सारे डिजिट का सम क्या होगा, 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 14। अब ये 14 3 से डिविजिबल है नहीं, ठीक है, इसलिए गिवन नंबर डिविजिबल नहीं होगा 3 से। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, बाकी आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे 9 है तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 27 से भी डिविजिबल नहीं है ये। ठीक है, तो 3 के लिए यहाँ पे 3 का ग्रुप चलेगा। ओके, नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 11। ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है देखिए, सपोज कोई नंबर लेते हैं यहाँ पे 4, 1, 3, 2, 5, 6। ठीक है, तो ये क्या है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, अगर इसकी नंबरिंग करें हम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अगर इसकी नंबरिंग करते हैं तो यही होगा, तो इसमें कुछ डिजिट देखिए ऑड प्लेस में है 1, 3, 5 पे, और कुछ इवन प्लेस में है 2, 4, 6 पे है। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेस पे डिजिट कौन कौन से हैं, ये 4 है, 3 है और 5 है, इनका सम लीजिए, 4 प्लस 3 प्लस 5 माइनस
सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेस पे डिजिट कौन से हैं, 1 है, 2 है और 6 है, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 6, तो इनको कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा 12, और माइनस ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा 3। अब 3 देखिए यहाँ पे 0 तो आया नहीं, और ना तो ये 3 नंबर 11 से डिविजिबल है, इसलिए जो गिवन नंबर, ये नंबर हमने लिया था 413256, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हो आप, 1331 सपोज लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस मींस 1 प्लस 3 माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस मींस 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये भी 4 आएगा और माइनस ये भी 4 होगा, तो ये क्या मिलेगा आपको 0। इसका मतलब 1331 11 से ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। वैसे हमें पता ही होता है कि ये 11 का क्यूब होता है, ठीक है, बहुत ये पॉपुलर नंबर है, 11 का क्यूब होता है, ठीक है। आइए देखते हैं फोर्थ रूल, तो डिविजिबल बाई सम स्पेशल कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। फोर्थ रूल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, तो कुछ स्पेशल कंपोजिट नंबर सपोज 24 लेते हैं, ठीक है। अब चेक करना है कोई नंबर 24 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या रूल होगा वहाँ पे। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, देखिए गलतियाँ कहाँ पे करते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर हम 4 से चेक कर लें और अगर 6 से चेक कर लें, मतलब अगर 4 से नंबर कोई डिविजिबल है, अगर 6 से है तो नंबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा सोचना गलत होगा, क्योंकि 12 आप देखिए 12 यहाँ पे 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन ये 24 से नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन 4 और 6 का आप नहीं सोच सकते हो। अगर आप सोचो 2 और 12 का सोच लें, तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। और क्या बन सकता है, 3 एंड 8 का, ठीक है। तो ये वैलिड कॉम्बिनेशन है केवल 3 एंड 8 का। तो हम कैसे, कौन सा पेयर सही होगा हमारा, कैसे सेलेक्ट करते हैं, देखो देखो आप वही पेयर सेलेक्ट करिए जिसमें कोई कॉमन ना हो, कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है 3 और 8 में, या ऐसे बोल दो जिसका एस सी एफ क्या हो, 1 हो, ठीक है। 2 और 12 में देखिए यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, 4 और 6 में दोनों में 2 कॉमन है, 3 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, या बोलोगे इनका एस सी एफ कितना है, 1 है, ठीक है। ऐसी पेयरिंग ही पॉसिबल होता है। तो अगर नंबर 24 से डिविजिबल होगा, ये तभी होगा जब नंबर 3 से डिविजिबल है और नंबर 8 से डिविजिबल है, ठीक है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल हमें पता है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है, तो इसलिए 24 से डिविजिबिलिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। दूसरा देखिए, दूसरा अगर एग्जांपल नहीं, 48, तो बहुत सारे पेयरिंग यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। जैसे 4 12 की पेयरिंग ले सकते हो, तो यहाँ पे आपको पता है कि 4 12 में कॉमन है कुछ, इसलिए ये पेयर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे पेयर हो सकते हैं, 2 और 24 हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम 3 और 16 लें तो ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 3 और 16 में कोई कॉमन नंबर नहीं है, ठीक है। इनका एस सी एफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट रूल है, ठीक है। नेक्स्ट रूल x टू द पावर n माइनस a टू द पावर 1, तो ये थोड़ा डिविजिबिलिटी से अलग दिख रहा होगा, बट इसको हम डिविजिबिलिटी में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर भी क्वेश्चन बने हुए हैं अभी तक, ठीक है। तो इसमें देखिए दो कंडीशन है, इस प्रॉब्लम को हमने दो केस यहाँ पे लिया है, n जब इवन होगा और n जब ऑड होगा, ठीक है। तो n जब इवन होगा, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या याद करना है कि जब n इवन होता है तो इसके दो फैक्टर फिक्स होते हैं, x माइनस a और x प्लस a, ठीक है। और भी इसके कुछ फैक्टर होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर तो 2 ही होगी, और भी नंबर होंगे, इसको हमने अलग ब्रैकेट में लिखा है, इसको आप k मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब इसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन में कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है, तब हम यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसको हम k मानते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन बिना इसकी जरूरत के सॉल्व हो जाते हैं। तो बस हमें यही याद रखना है कि जब n इवन होता है तो इसके डेफिनेटली ये दो फैक्टर होते हैं, x माइनस a और x प्लस a, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा केस कर लें, n इवन, अगर n आप 2 ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, x माइनस a और x प्लस a, ठीक है। इसका मतलब n इवन में ये दो फैक्टर आपको डेफिनेटली मिलते हैं, x माइनस a और x प्लस a, ठीक है। इसको मेमोराइज, इसको याद रहे आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा केस से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन लें, इस पर एग्जाम्पल अगर लें, सपोज नंबर है 7 टू द पावर 12 माइनस 1,
ठीक है, तो चेक करना है नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 to the power 12 माइनस 1 को हम 1 to the power 12 लिख सकते हैं। अब ये देखिए इसी फॉर्म में आ गया x to the power n minus a to the power n, ठीक है। और इसको कंपेयर करिए, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है, इसका मतलब n क्या है यहाँ पे 12 इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर n यहाँ पे इवन है तो डेफिनेटली इसका एक फैक्टर होगा 7 माइनस 1 और दूसरा होगा 7 प्लस 1, ठीक है। और भी एक फैक्टर होगा, इसको हम k से यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसका मतलब 7 माइनस 1 कितना 6 और 7 प्लस 1 कितना आएगा 8 आएगा इंटू के, ये कितना 48 k। इसका मतलब डेफिनेटली ये नंबर 48 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। और भी किसी नंबर से डिविजिबल होगा, यहाँ पे हमने k लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में 48 है तो 48 को हम टिक कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड सॉल्व हो जाते हैं, तो ये 48 अगर ऑप्शन में आएगा 48 क्लिक कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन 48 ऑप्शन में कभी कभी नहीं देते हैं, तो उस केस में हम के को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। आगे हमने क्वेश्चन लिया है उससे इसका आंसर को हम सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए, सेकेंड केस है एन जब ऑड है। देखिए अगर एन ऑड होता है तो x minus n minus x to the power n minus a to the power n, इसका एक फैक्टर x माइनस ए डेफिनेटली होता है, ठीक है। जो दूसरा फैक्टर होगा उसको यहाँ पे भी हम k से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसको भी याद करने के लिए आप n की वैल्यू अगर 3 ले लीजिए तो ये हो जाएगा x³ - a to the power 3। तो इसका अगर आप फैक्टराइज करते हो, इसको फैक्टराइज करते हो, इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा आप लोगों को। तो इसमें देखो एक x माइनस ए एक फैक्टर मिलता ही मिलता है, दूसरा यहाँ पे x² वाला मिलता है, ठीक है। तो इसको हम k से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। देखिए जब n ऑड है तो x²n - a²n का एक फैक्टर हमेशा आपको मिलेगा x - a, यही चीज आपको याद करनी है। यहाँ पे जब n इवन था तो n अगर इवन है तो आपको x - a और x+a, ये दो हमेशा फैक्टर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस पे एग्जांपल अगर हम लें, सपोज 7 to the power 9 - 1, ठीक है। एग्जांपल अगर ले ये ले, आप 7 to the power 9 - 1 को 1 to the power 9 लिख सकते हैं, तो इसको इसका एक फैक्टर डेफिनेटली 7 - 1 होगा इंटू अदर फैक्टर, इसको के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब इसको हम 6k के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब 7 to the power 9 - 1 डेफिनेटली ये हमेशा ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। और भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है, और भी नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा, उसको यहाँ पे हमने के से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। लेकिन हमारा अभी इंटरेस्ट किस में है, ये 6 से है, ओके। चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, तो वैसे तो क्वेश्चन ये SSC में पूछा गया है 10+2 में, बट ये दूसरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 to the power n - 1 को 1 to the power n लिख सकते हैं। अब n यहाँ पे इवन बोल रहा है तो उसका मतलब इसके दो फैक्टर x - a और x+a डेफिनेटली होगा, दूसरा जो अदर टर्म होगा उसको हमने k से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5 और 6 + 1 कितना 7 इंटू के, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 35 k। इसका मतलब डेफिनेटली नंबर 35 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 35 यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 35 क्लिक टिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 2 to the power 16 - 1, तो यहाँ पे भी इसको 1 to the power 16 लिख सकते हैं। एन देखिए यहाँ पे इवेन है तो इसके दो फैक्टर होंगे x - a x+a, इंटू अदर टर्म जो होगा उसको हम के से लिख रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा और ये कितना आएगा 3 इंटू के, ये कितना हो जाएगा 3 k, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में यहाँ 3 नहीं है। इसका मतलब इस के को हमें एक्सप्लोर करना होगा, के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो 2 to the power 16 - 1 to the power 16, इसको देखो 2 to the power 16 को हम 2 to the power 8 square - 1 to the power 16 को भी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए a² - b², तो इसका फैक्टर क्या होगा a - b
ए प्लस बी, ठीक है। अब टू द पावर एट, इसकी वैल्यू क्या होती है 256, और 1 टू द पावर 8 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टू द पावर 8 प्लस 1, 256 प्लस 1 कितना 257, इसका मतलब ये नंबर 257 से डिविजिबल होगा। 257 देखिए क्या ऑप्शन में है, 257 देखिए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अब हमें आगे इसको एक्सप्लोर करना होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर देखें 2 टू द पावर 8 256 और -1 255, ठीक है। और 255 भी देखिए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब आगे अभी आगे हम इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसको तो ब्रेक कर नहीं पाएंगे, करेंगे तो बहुत ये लंदी हो जाएगा, इसको आसानी से हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 to the power 8 -1 to the power 8 को अगर ब्रेक करते हैं, देखिए 2 to the power 8 को 2 to the power 4 स्क्वायर और -1 to the power 4 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसके भी दो फैक्टर होंगे, एक्स माइनस ए, दूसरा क्या होगा एक्स प्लस ए, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 1 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 1, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। ऐसे यहाँ पे 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, इसका मतलब ये नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा और 17 से भी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 15 है नहीं है 17 है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या टिक कर देंगे, सी ऑप्शन 17, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसको आप शेयर करिए फ्रेंड्स में और लाइक कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपको इश्यूज आते हैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग, ठीक है, या पूरे नंबर से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के आप उस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसका आपको सोल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओके ओके गाइस, थैंक यू।